एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सप्टम 10 टर्नर थेरी एमसीक्यू। हम आपको मेरे चैनल पे टर्नर फिटर दोनों ट्रेड के एमसीक्यू आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, टर्नर या फिर फिटर थेरी थेरोटिकल हर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जो डीआरडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो है डीआरडीओ सप्टम 10 टर्नर के बारे में हम एमसीक्यू पार्ट 1 है। इसके बाद आपको जैसे स्टार्टिंग हमारा जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट करके बाकी के पार्ट अलग अलग से आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरे हर एक टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। और इसके इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 1। और इसका वीडियो इसके जो आपको पीडीएफ है पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच गैस इज यूज्ड इन हेलन एक्सटिंग्विशर। हेलन एक्सटिंग्विशर में किस प्रकार का गैस उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें से जो हेलन एक्सटिंग्विशर है उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो हेलन एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर। एक साधारण अग्निशामक के संचालन का सही क्रम क्या है, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसे हैंडल करने के, जब हम इसे यूज करते हैं तो ऑपरेशन करते समय कौन सा सिक्वेंस हमें सही है, कौन सा सिक्वेंस को फॉलो करके यूज किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप, दूसरा ऑप्शन है एम पुल स्वीप एंड स्क्वीज, और तीसरा ऑप्शन है स्क्वीज एम पुल एंड स्वीप, और चौथा ऑप्शन है स्वीप एम पुल एंड स्क्वीज। तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। इस तरह से जो फायर एक्सटिंग्विशर इसके पुल किया जाता है उसके बाद एम करते एम स्क्वीज करते हैं और उसके बाद स्वीप करते हैं, इस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। कौन सा कौन कटिंग एज को रबिंग एक्शन से रोक पाता है, मतलब कोई भी कटिंग टूल से हम अगर कटिंग क्रिया कर रहे हैं तो उस समय घर्षण ना हो इसलिए कौन सा एंगल सही होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन वेब एंगल, दूसरा रेक एंगल, तीसरा क्लियरेंस एंगल और चौथा है पॉइंट एंगल। तो हमारा जो सही आंसर है क्लियरेंस एंगल, क्योंकि अगर क्लियरेंस एंगल नहीं दिया जाता है कटिंग टूल में तो कटिंग पॉइंट जो होता है वो जॉब के साथ रबिंग होता है, मतलब घिसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रॉस। ब्रॉस जो मेटल होता है उसके ऊपर अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन 140 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 118 डिग्री। तो जो हमारा ब्रास मेटल होता है ब्रास के ऊपर अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल का एंगल होता है 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको एक ड्रिल का डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो इसमें एक्स के सहायता से जो पार्ट को दिखाया गया है ड्रिल का, इस पार्ट का नाम क्या है यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिप, दूसरा लैंड, तीसरा फ्लैंग, चौथा है ड्रिल एक्सिस। तो जो एक्स के रूप में आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेप ऑफ फाइल। फाइल के आकार के लिए स्पेसिफिकेशन क्या है, यही पूछा गया था कि फाइल का जो आकार है आकार को अगर स्पेसिफाइड अगर किया जाता है तो उस समय किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन कट, दूसरा ग्रेड, तीसरा लेंथ, चौथा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन। जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रॉस सेक्शन। फाइल का अगर आकार बोला है तो आकार का स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन से दिया जाता है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आपको हर ट्रेड के मैकेनिक ट्रेड के कॉमन रहते हैं, तो हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं इसलिए आपको ये अलग ट्रेड के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। आगे चल के और आगे के पार्ट के भी और इस पार्ट के भी लास्ट थोड़े क्वेश्चन के बाद आपको टर्नर ही पूरा प्रॉपर टर्नर के क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको एक बॉल पिन हमारे दिखाई दे रहा है इसमें एक्स के सहायता से इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस, दूसरा पेन, तीसरा चेक और चौथा है आई होल। तो इसका जो सही आंसर है चेक है, ऑप्शन नंबर सी।
ये जो आपको एक्स के सहायता से दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड कटिंग करने के लिए कौन से कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा टैप, तीसरा ड्रिल और चौथा है रिमर। तो कभी भी जॉब के अगर इंटरनल थ्रेड बोला गया है कि अगर इंटरनल थ्रेड कट करना है, अगर इंटरनल थ्रेड हमें कट करना है तो टैप की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। यह आपको डायग्राम में सरफेस गेस दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक्स के सहायता इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा स्नग, तीसरा स्पिंडल, चौथा रॉकर आर्म। तो ऑप्शन हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉकर आर्म। तो हम आपको इस तरह से हर एक वीडियो में नए नए क्वेश्चन से आपको जिससे स्टडी करने में आसानी हो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टैप रेंच इज यूज इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। मतलब जो नॉर्मली हम टैप रेंच के सहायता से जहाँ पर हम टैप नहीं कर सकते उस जगह पर टैपिंग करने के लिए कौन से टैप रेंच का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। जो नॉर्मली टैप रेंच होता है एडजस्टेबल और फिक्स टैप रेंच, तो उस टैप रेंच से हम अगर जिस जगह पर टैपिंग नहीं कर सकते तो उस समय कौन से टैप रेंच का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है बार टाइप टैप रेंच, दूसरा टी हैंडल टैप रेंज, तीसरा सॉलिड टाइप टैप रेंज और चौथा है डबल एंड अंडर टैप रेंज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टी हैंडल टैप रेंज। जिस जगह पर नॉर्मली टैप रेंज के सहायता से हम टैपिंग नहीं कर सकते उस जगह पर टी हैंडल टैप रेंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज फॉर डबरिंग द जॉब ऑन लेथ। लेथ मशीन पर जॉब के कॉर्नर के शार्पनेस को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है रैप्स कट फाइल, दूसरा डबल कट फाइल, तीसरा कर्व कट फाइल और चौथा ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो ऑप्शन हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड रॉड। राउंड बार के सेंटर को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर कोई राउंड जॉब है उसका अगर हमें सेंटर निकालना है तो उस समय कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा डिवाइडर, दूसरा जेनी कैलिपर, तीसरा इनसाइड कैलिपर और चौथा ऑप्शन है हमारा आउटसाइड कैलिपर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को ऑर्डली कैलिपर भी बोला जाता है, जिसके सहायता से हम कोई भी जॉब के ऊपर जॉब का सेंटर निकालने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज फॉर फाइन एडजस्टमेंट। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्राइबर, दूसरा स्पिंडल, तीसरा गाइड पिन और चौथा है रॉकर आर्म। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म का उपयोग करके हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टू कट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कट करने के लिए कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। मान लीजिए अगर कोई एल्यूमिनियम के ऊपर कोई हमें चीजल के सहायता से हमें कोई भी कटिंग क्रिया करनी है तो उस समय कट चीजल का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ब्लैंक साइज M10 × 1.5 mm पिच ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। M10 × 1.5 mm की बाहरी थ्रेड काटने के लिए डाई साइज का क्या होता है, डाई साइज कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान में रखें कि ब्लैंक साइज मतलब क्या होता है, डाइंग। जब हम कोई भी एक्सटर्नल थ्रेड कट करते हैं डाई की सहायता से उसे बोला जाता है डाइंग, और उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ब्लैंक साइज। तो मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन में दिया है कि M10 का हमें डाइंग करना है जिसका पीच है 1.5 mm, तो उसका जो आपका साइज कितना रखा जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 10.85 mm, दूसरा ऑप्शन है 9.85 mm, तीसरा ऑप्शन है 9.75 mm और चौथा ऑप्शन है 9.65 mm। तो इसका जो क्वेश्चन है ये आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। इसके कैलकुलेशन के लिए अलग से मेरे चैनल पे एक वीडियो है ब्लैंक साइज निकालने का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फार्मूला के साथ कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो इसमें जो कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं तो इसका सही आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर बी 9.85 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट, किस मैकेनिज्म को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन टम्बलर गियर, दूसरा चेंज गियर यूनिट, तीसरा क्विक चेंज बॉक्स और चौथा ऑप्शन है एप्रन मैकेनिज्म। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवर्सिंग मैकेनिज्म गियर यूनिट को जो कि किस मैकेनिज्म को रिवर्सिंग गियर यूनिट कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टम्बलर गियर। टम्बलर गियर को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, ये जो आपको डायग्राम है गियर सेट के डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें से जो ये एक्स के सहायता से दो गियर को दिखाया गया है, एक के साथ एक मैच है, तो इस गियर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा मेन स्पिंडल, तीसरा स्पिंडल गियर, चौथा है टम्बलर गियर। तो जो आपको एक्स के सहायता से डायग्राम में दिखाए गए गियर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी टम्बलर गियर। टम्बलर गियर के यूनिट में तीन गियर होते हैं, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर विथ अ कार्बाइड टिप इज ब्रेस्ड इनटू एन ऑर्डिनरी स्टील शांक, वह कौन सा सेंटर है जिसके शांक में कार्बाइड टिप ब्रेस किए होते हैं, उस सेंटर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर, तीसरा टिप सेंटर और चौथा है इंसर्ट टाइप सेंटर। तो इसका जो सही आंसर है टिप सेंटर, क्योंकि ब्रेजिंग करके जो भी सेंटर तैयार किया जाते हैं उसका वो नाम होता है टिप सेंटर। इसमें कार्बाइड टिप सामने के जो शैंक होता है सामने के पॉइंट में कार्बाइड टिप ब्रेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, ये जो आपको डायग्राम है एक सेंटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस सेंटर को हमें पहचानना है कि कौन से टाइप का सेंटर है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पाइप सेंटर, दूसरा सुवेल वी सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर और चौथा इंसर्ट टाइप सेंटर। तो आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है सेंटर ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी सुवेल वी टाइप सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द शांक ऑफ लेथ सेंटर, लेथ सेंटर के शांक पर किस प्रकार का टेपर कटा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें क्या कि लेथ सेंटर के शांक रहे या फिर जो हमारा ड्रिल चाक है उसके भी शांक पर एक ही टाइप के टेपर होता है, ध्यान में रखें। इसके लिए पहला ऑप्शन है जर्नो, दूसरा मोस्ट टेपर, तीसरा मेट्रिक टेपर, चौथा ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो इसका जो सही आंसर है मोस्ट टेपर ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट सेंटर के शांक पर मोस्ट टेपर कटे होते हैं जो 3 डिग्री में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर अकोमोडेटेड इन मेन स्पिंडल स्लीव, मेन स्पिंडल स्लीव में कौन से सेंटर लगाए जाते हैं, जो हमारा लेथ मशीन का मेन स्पिंडल होता है जो चक जिसे जिसके ऊपर चक बैठता है, तो उस जगह पर कौन से टाइप का सेंटर लगा होता है लगाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर, तीसरा पाइप सेंटर और चौथा है लाइव सेंटर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी लाइव सेंटर। लाइव सेंटर मतलब जो जॉब को घुमाने का काम करता है उसे बोला जाता है लाइव सेंटर, और जो जॉब के साथ घूमता है उसे बोलते हैं डेड सेंटर। तो जो लाइव सेंटर होता है ये मेन स्पिंडल में होता है, इसलिए ये जॉब को घुमाने का काम करता है, इसलिए ये हमारा लाइव सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डेड सेंटर फिक्स्ड ऑन लेथ, डेड सेंटर को कहाँ पर फिक्स किया जाता है लेथ मशीन के, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। डेड सेंटर मतलब जो जॉब के साथ घूमता है जिसे टेलीस्टॉक में फिट किया जाता है, तो ये इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टेलीस्टॉक। टेलीस्टॉक में डेड सेंटर होता है और मेन स्पिंडल में होता है लाइव सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ डेड सेंटर कॉनिकल पॉइंट, डेड सेंटर का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो जो डेड सेंटर या फिर कोई भी सेंटर उसका जो डिग्री होता है उसका डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, सेंटर का डिग्री कितना होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक लेथ एसेसरीज है, तो इस एसेसरीज का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है लेथ एसेसरीज, ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेसरी मार्क एक्स, ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है लेथ एसेसरीज, तो एक्स के सहायता से जो पार्ट को दिखाया गया है तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। लेथ एसेसरीज में से इस पार्ट का ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स के सहायता से इसका नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा है ड्राइविंग प्लेट। तो इसका जो सही आंसर है हमारा कैच प्लेट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कैच प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज एन एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्जा चक इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक प्रणाली में एक फोर्जा चक का एक्यूरेसी क्या होता है? जो मेट्रिक सिस्टम के जो लेथ मशीन होते हैं उसमें जो चक लगे होते हैं उसका जो फोर्जा चक होते हैं उसका एक्यूरेसी कितनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन 0.001 mm, दूसरा ऑप्शन 0.002 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.01 mm और चौथा ऑप्शन है 0.02 mm। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फोर्जा चक, मतलब फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या है, यही क्वेश्चन इसका मीनिंग होता है कि फोर्जा चक को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेल्फ सेंटरिंग चक, दूसरा इंडिपेंडेंट चक, तीसरा है सेल्फ अलाइनिंग चक और चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो जो हमारा फोर्जा चक होते हैं, फोर्जा चक को हम इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इंडिपेंडेंट चक। एक तो इसका तीन नाम होता है, फोर्जा चक, इंडिपेंडेंट चक और डॉक चक भी बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज त्रिजा चक, त्रिजा चक का दूसरा नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया ताकि जो त्रिज्या चक है उसे दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्जा चक, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा कॉम्बिनेशन चक और चौथा है सेल्फ सेंटरिंग चक। इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी सेल्फ सेंटरिंग चक, क्योंकि इसमें जॉब को लगाने के बाद जॉब को ट्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे बोला जाता है सेल्फ सेंटरिंग चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है सेंटर टू सेंटर बिटवीन सेंटर में जॉब को लगाया गया है, ये आपको हमारा जॉब है, ये हमारा चाक है, इसमें लाइव सेंटर है, ये हमारा डेड सेंटर है। ये जो बीच में पार्ट लगाया गया है जॉब के साथ, इस पार्ट का नाम क्या है, एक्स के सहायता से दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइव सेंटर, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा लेथ कैरियर और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो इसका जो सही आंसर है हमारा लेथ कैरियर। कभी भी बिटवीन सेंटर में हम जब जॉब कोई भी जॉब को होल्ड करते हैं और उसके ऊपर कोई वर्क करना रहा तो लेथ कैरियर के अलावा सिवाय हम इससे जॉब को हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये हमारा है लेथ कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉ ऑफ थ्री जॉ चक इज यूज टू होल्ड हॉलो जॉब। थ्री जॉ चक का कौन सा जॉ खोखला काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो हमारे थ्री जॉ चक में जॉ लगे होते हैं उसमें से कौन सा जॉ जिसके सहायता से हम हॉलो जो आर पर हॉलो होता है पाइप टाइप में जो जॉब होते हैं उसे पकड़े पकड़े जा सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है मूवेबल जॉ, दूसरा फिक्स जॉ, तीसरा एक्सटर्नल जॉ और चौथा ऑप्शन है इंटरनल जॉ। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इंटरनल जॉ। इंटरनल जॉ के सहायता से हम कोई भी हॉलो जॉब को हम जॉब मशीन को मशीन के ऊपर हम बांध सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में एक्स के सहायता से जो इस पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है काउंटर वेट, दूसरा क्लैंपिंग बोर्ड, तीसरा एंगल प्लेट और चौथा है पैरेलल। तो जो आपको एक्स के सहायता से ये जो आपको दिखाया गया है पार्ट, इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए काउंटर वेट। इसके क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड में भी एंगल प्लेट के सहायता से जॉब को बांधा गया है तो अलाइनमेंट ना बिगड़े इसलिए उसके ऑपोजिट साइड में भी काउंटर वेट लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस तरह से हमने पार्ट वन में 31 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है। इसके बाद हम पार्ट टू लाएंगे, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, मतलब आपको हर एक टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करके देंगे इस तरह से एमसीक्यू के रूप में। और इसी तरह से मेरे वीडियो के अगर आपको लिंक चाहिए मतलब नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और वीडियो हमारे इस तरह के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे भी वीडियो भी आते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।